यहाँ पर बोलेंगे भाई मीडिया को मत बताइए, उसका रिप्लाई दे दिए हैं आज। और पिटिशनर के जो काउंसिल है, एडवोकेट है, उनको उसका कॉपी दिया गया है। और उसके बाद काउंटर आर्गूमेंट्स या रिटर्न आर्गूमेंट्स या ऑब्जेक्शन फाइल करने के वास्ते अक्टूबर 23 केस अडजोन किया गया है। वो भी दोनों नहीं, लास्ट टाइम पे आपने कहा था कि अगर उन्होंने अगर पेशी में आए नहीं या कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेंगे बोले थे, लेकिन आज भी फिर खाली डेट दिया है। कोर्ट में अगर चलेगा मामला तो गलत, अगर मैं रिपोर्ट दे दिया तो मैं ठहरना पड़ता खटर हाईकोर्ट में, इस वजह से पूरा कानून के हिसाब से जाना पड़ता। तो अभी इंक्वायरी आपके हाथ से निकल के कोर्ट में चले गई, मैं जल्दी अगर जल्दबाजी में अगर रिपोर्ट दे दिया तो बोर्ड मेरे को पूछता और हाईकोर्ट के कटोरे में बैठा ना। ये तो जल्दबाजी भी नहीं हुई, 4-5 महीने के ऊपर ही हो गया। कानून के हिसाब से अगर मैं दिया अपॉर्चुनिटी, दो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, एक तरफा मैं डिसीजन दे दिया या फैसला दे दिया या फाइंडिंग्स दे दिया तो परेशान वास्ते कानून के हिसाब से जाओ। मेरे रिपोर्ट्स अब तक हाईकोर्ट में जितने भी मेरे रिपोर्ट दिया हूँ 4-5 साल से काम पूरे हाईकोर्ट में अपील हुए हैं और उसको करोड़ों का फायदा हुआ है। और एक मालूम हुआ जरा इसे कि आपके ऊपर कुछ प्रेशर डाला जा रहा है। नहीं नहीं प्रेशर नहीं, मैं सुनता हूं किसके लिए आपको थोड़ा सा पेंडिंग में डाला हुआ है ऐसा कुछ प्रेशर है। अब तक मेरे कोई एमएलए कोई एमपी 5 साल में कोई फोन नहीं करा जी, मैं करे तो भी अच्छी बात बोलता हूं, ये चल रहा देखिए नेक्स्ट टाइम भी मैं कानून के हिसाब से काम कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट टाइम भी अगर चलेगी तो चले जाता हूँ यहाँ से, मगर कानून के हिसाब से काम कर रहा हूँ। सर अगले वक्त में मुल्क के ऐसे माहौल रेस्पॉन्डेंट फाइल सर अगले वक्त फैसला होगा या कुछ डेट मिलेंगी फिर? अस्सलाम वालेकुम, मैं हम लोग जनाब इब्राहिम साहब की तरफ से, मैं एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद, तेलंगाना अंजुमन तेलंगाना खजात के सदर खाजी साहब खादर अली साहब और उनकी टीम के ख़िलाफ़ हम लोगों ने इंक्वायरी कमीशन में दरख्वास्तें दी हैं तहकीक़ात के लिए, जिसका जवाब वो पिछले एक साल में ना दे पाए और आज जो है ना उन्होंने एक कुछ दरख्वास्त दाखिल की है वो जवाब की तफसीलात देने के लिए। लेकिन जिन उमूर पर हमने उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमीशन में, जहाँ पर शादी ब्याह होते हैं तो उनके पुजारी जी की जो अहमियत है, रिस्पेक्ट है जो सोसाइटी में दी जाती है, उसी तरह से मुसलमानों में भी शादी जैसे मुक़दस फरीज़े को तकमील पाने के लिए खाजी बरदरी की बहुत अहमियत होती है और जब वो काम करते हैं उस काम की वजह से उनकी इज़्ज़त होती है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से हिंदुस्तान के माहौल में ये बात ज़्यादातर देखने में आई है कि चंद ऐसे खाजी हजरात जो एक एक लड़की की शादी दो दो लोगों से कर देते हैं, जिसकी एक मिसाल मैंने यहाँ पर यह दी थी कि एक लड़की की शादी इमारात के यूएई के भी नेशनल से करा दी गई और ओमान के भी नेशनल से करा दी गई, जबकि उसका कोई तलाक ही नहीं हुआ। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर जो है ना 2014 में शादी हुई है और 2013 में उसका तलाक हो गया, और ऐसी कई बदगुनवानियों के अलावा बड़ी और संगीन जो ट्रिपल तलाक के मसले के बीच में एक जो बड़ी एक संगीन और संजीदा बात है जो टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं बता रहा और उसके ऊपर नज़र नहीं डाल रहा, वो ये है कि किसी भी लड़की का अगर तलाक हो जाए तो उसको इद्दत और नाव नफ़े का जो पैसा मिलता है वो उसकी ज़िंदगी के गुजर बसर या दूसरी चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे कई खाजी हजरात जिनमें हमने खादर अली साहब पर भी इल्ज़ाम लगाया कि आपके पास 200 साल का रिकॉर्ड होने के बावजूद आप ये बताने में नाकाम रहे कि आपके पास कितनी लड़कियों के तलाक के बाद इद्दत और नाव नफ़े का पैसा है और कितनों को आपने दिया है और कितनों का पैसा आपने रखा हुआ है और क्या वो पैसे के लिए आपने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है और ऐसी कितनी बेवा औरतें हैं या कितनी तलाकशुदा औरतें हैं जिनका पैसा आपके पास है वो रिकॉर्ड पेश करें, तो वो रिकॉर्ड अभी तक पेश करने में नाकाम रहे। लेकिन आज भी उनको इस बात का बहुत बड़ा एतराज़ था कि भाई जो इंक्वायरी कमीशन में इंक्वायरी चल रही उस बात को यहीं पर रखा जाए, आवाम के सामने और मीडिया के सामने ना लाया जाए। इस बात पर हम लोगों ने भी शदीद एतराज़ किया क्योंकि देखिए जमहूरियत का चौथा सतून है सहाफ़त जर्नलिज़म और सहाफ़ियों के ज़रिए ही अवामुन्नास तक हकायक पहुँचती हैं। सहाफ़ी वो जो ऐसे कई सहाफ़ी होते हैं जिनको जान की धमकी दी जाती है और जिन्हें मारा जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी जब वो आवाम के सामने सच्चाई रखते हैं तो तभी आवाम उस चीज़ को देखती है, अच्छी चीज़ है तो उसकी हिम्मत अफजाई करती है, गलत है तो उसका बाइकाट करती है, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालती है। तो हमारी भी वक्फ बोर्ड से इंक्वायरी कमिश्नर वाहिद साहब जो बेहतरीन इस मामले में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वो पूरी बारीक बिनी से इस बात का जायज़ा ले रहे हैं, ये चौथे इंक्वायरी ऑफिसर हैं और हमें उम्मीद है कि जनाब खादर अली साहब जो सदर खाजी अंजुमन तेलंगाना भी हैं और शालीमंडा खाजी भी हैं जिन पर हम लोग संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, हम ये भी अवामुल्लास को बताना चाह रहे हैं कि खाजी साहब के खादर अली साहब के कुछ ऐसे मामले हैं और ऐसे ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से वो इनको भी हटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि
हमारी ये कोशिश है कि ये इंक्वायरी ऑफिसर के मौजूदगी में ही अगर अल्लाह ने चाहा तो इसकी शफाफियत के साथ इसकी तहकीक हो और पेशे खजात में बदमाश और बेमान किस्म के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जहाँ पर इन्हीं की सोसाइटी के एक खाजी साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको इनके निज़ाम कुजात में जो है ना इनके इनकी तहकीकत के लिए उनके रखा गया है। किस तरह से एक कमेटी का सदर और उसी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी एक दूसरे की तहकीकत करेगा, वहाँ पर इंसाफ के तकाजों को कमी इंसाफ के तकाजों में कमी होने की उम्मीद है। एक उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस दी है जिसमें कुछ डिटेल्स उन्होंने दी है, वो पढ़ने के बाद हम जो है ना फिर से उसका जवाब देंगे, और हम चाह रहे थे कि उसका आर्गुमेंट हो, तो उन्होंने बोला कि आर्गुमेंट के लिए आप कोई एक तारीख मुकर्रर कर लें। हम चाह रहे थे कि इस बात की पूरी बहस हो बराबर आत, लेकिन फिर एक मरतबा जो है वही बात हुई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये केस कितने दिनों से चल रहा है? ये साहब 4 साल से ये कार्रवाई चल रही है और पिछले 1 साल से मुसलसिल ये केस चल रहा है। 6 पेशियों में सिर्फ ये 2 मरतबा आए, लेकिन अपनी जानिब से रिपोर्ट अभी तक नहीं डाल पाए। आप कितने क्लाइंटों का केस लड़ रहे हैं? इस मामले में जितने भी मुतासरा औरतें हैं और जो लोगों की जो है ना बिना इतला के उनकी बीवियों के तलाक करा दिए, खुला करा दिए, वो सभी लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। मैं इब्राहिम शरीफ साहब का भी काउंसल हूँ, क्लाइंट भी आते हैं, क्योंकि मुतासरा लोग भी अगर आएंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है।